और आपको हार्दिक बधाई भी हो। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, आपके लिए हमारे लिए भी है। आप जानकर बड़े खुशी होंगे कि मैं बताता हूँ आपको 96 की बात, जब मैंने ये लाइन थोड़ी सी टच की थी, ये लाइन थोड़ी सी हारमोनियम सीखने के लिए मैं जाता था कृपाल सरदार जी की दुकान का, सभी को पता होगा। तो उस टाइम की बात है 96 की, गांव से मतलब बिलोंग है, मतलब जो अपना सिस्टम है पूरा गांव के अंदर है, वहाँ पे शीर को है ना थोड़ा मान्यता कम देते हैं लोग। तो उसके बाद वहाँ पे हमने परेड फारा नहीं मिला, फिर एक बंदा जो रामलीला के अंदर हारमोनियम बजाता था, मैं उसके पास गया, उसके पास भी हमें वो चीज़ प्राप्त नहीं जो हमारी इच्छा थी। तो मेरा बताने का आपसे ये मकसद है कि आप जिस जगह पर होना, ये प्लेटफार्म बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर प्लेटफार्म है। यहाँ पर कोई किसी के बारे में वाद विवाद की, प्रतिस्पर्धा की, उतार चढ़ाव की कोई भी बात नहीं होती। तो मेरा आपसे विषय अनुरोध है, जिस भी प्लेटफार्म आपको मिला है, ये बड़ा आपका अच्छा लक है। गुरु जी कोर्स, गुरु जी म्यूजिक क्लास, ये आपकी है, ये आपका आपका अपना भी फर्ज है भाई। आप इसको सुंदर बनाएं, यहाँ से अपने जो आपके विचार है वो रखें और इनके विचार ले, इनका अनुभव प्राप्त करें, ताकि आपको है ना लाइफ में सफलता मिले। और आपने एक बात यहाँ पे बड़ी अच्छी लगी होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि हम भी 4-5 साल से इनके टच में हैं, तो यहाँ पर जब भी कोई बात होती है ना, ये हमेशा धार्मिक बात करते हैं आपके साथ। संजीव जी जो गुरु जी कोर्स हैं, इनके अंदर एक भाव इतना जबरदस्त है भगवान के प्रति। मैं आपको बताता हूँ, आप शायद वहाँ तक नहीं घूमे, हम बड़ी क्लासों में घूमे हैं जहाँ पर है ना बच्चों की लाइनें गलत हो जाती हैं। मैं रियल बोल रहा हूँ आपको, आपको इतना सुंदर भाग्य है कि आपको ये प्लेटफार्म मिला। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है किसी का, इतना सुंदर ये प्लेटफार्म है। तो मैं आपसे ये कहूँगा, धार्मिक विचार निकलकर हैं, सबके अंदर सद्भाव है, और आप मेरा सब इसी अनुरोध है कि आप है ना किस भी अवस्था में लगे हुए आप लगे रहो, भगवान आपको सफलता देगा। जय हिंद, जय भारत।